वही सिंगरौली जिले के ग्राम पंचायत गड़ई गांव देवरी डोल मोहल्ले में आज भी लाइट की समस्या है, जिसको लेकर शिवसेना ने निवास डीसी का किया घेराव। आइए सुने क्या कुछ है मांगे। देखिए ऐसा है कि मैं बात कर रहा हूँ मोहनी विधानसभा अंतर्गत निवास डीसी विद्युत विभाग अंतर्गत ग्राम पंचायत हरसेड़ी देवरी डोल लगते जहाँ 400 घर किया। देश की आजादी 75 साल होने चले, आज भी विद्युत के लाभ लेने के लिए तरस रहे। 2 सालों से संगठन ने प्रतिवेदन दिया, लेकिन मजबूरन क्या था कि सीधी जिला लगता था उस टाइम पे डीसी मेन विभाग और सीधी से सिंगरौली ट्रांसफर कर दिया। ऐसे में गांव वालों ने कई बार अपना आवेदन प्रतिवेदन रखा, लेकिन स्थिति तनाव की हो चुकी है। कब तक भीख मांगेंगे? भीख मांगने का वक्त नहीं, आज छीन के लेने का अधिकार। और ऐसी स्थिति में आज मैंने डीसी जी में जो विभाग निवास डीसी में आज मैंने तालाबंदी किया था, बंद करके मैंने मांग रखी है। आज ये छोटा डेमो मैं दे रहा हूँ। इसके बाद ये ध्यान रखिए कि जनता के टैक्स से आप पेमेंट उठाते हैं, तो जनता की सेवा के लिए, अगर जनता की सेवा नहीं कर सकते, आप क्षेत्र में विद्युत नहीं दे सकते, तो ये विभाग खोलने का अधिकार आपको नहीं। तो विभाग कब खुलेगा? जब जनता को बिजली मिलेगी। डिजिटल इंडिया की बात करने वाले यहाँ के नेता, जो सत्ताधीश नेता, विधायक हो या सांसद हो, बैठे इन्हें कभी सांप सूंघ जाता है, इन्हें विद्युत से मतलब भी नहीं, ये पता नहीं कहाँ सोते रहते। चुनाव आएगा क्या कुछ लगता है, क्या इस ज्ञापन देने के बाद विभाग कोई कार्रवाई कर पाएगा? क्या गड़ईगांव देवरी डोल को क्या लाइट मिल पाएगा? बिल्कुल जरूर मिलेगा, क्योंकि गड़ईगांव कहा जाए तो सरई लगता है। इसके पहले भी आपको बताना चाहूंगा, सरई में भी मैंने इस विषय को लेकर, गड़ईगांव को लेकर गया था निवास डीसी। आज मेरा ये है 9 तारीख को, आगामी इसी 9 को मैं बता रहा हूँ, मैं मेन विद्युत विभाग में ताला मारूंगा ये सभी ग्रामवासियों को लेकर। अगर विभाग कब खुलेगा? जब इनके विद्युत क्षेत्र में लगेगी तभी। या तो आप आश्वस्त करें कितने महीने कितने दिन के अंदर आप विद्युत देंगे लाभ, अगर नहीं दे सकते तो आपको बैठने का अधिकार नहीं है। इसके लिए फिर या तो हमें फाइनल कर लें, या तो मैं अंदर, या तो आप फाइनल। जनता की सेवा के लिए, उसके लिए आपको अपने कार्यों का निर्वहन करना होगा। मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, 75 साल बीतने चले हैं, 2-4 गांव हैं ऐसे, क्षेत्र की राजनीति ने इतना दलदल बना दिया कि हाईजैक करके रखा, इन्हें आज विद्युत नहीं लाभ हो पा रहा है। अब देख रहे हैं ना हमारे साथ कितने लोग मौजूद हैं। शिवसेना के द्वारा आज किसी गाँव को लेकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कुछ कहेंगे सर? सर ऐसा है कि ज्ञापन मैंने प्राप्त कर लिया है और अपने स्तर से मैं उच्च कार्यालय को भेज दिया। सर क्या लगता है कि इसमें क्या कोई कार्यवाही हो पाएगी? ये वरिष्ठ अधिकारी बता पाएंगे, है ना? वरिष्ठ निरंतर अधिकारी होते हैं जो मतलब उसका निर्णय ले सकते हैं, सक्षम अधिकारी, वो बता पाएंगे।